टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो विद आदि फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से, द कराची बॉयज। आज ज्यादा लोग आए हुए माशाल्लाह से। उसके बाद हमारे शो की जान हमारे बुजुर्ग मिस्टर काशी भाई। काशी भाई आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। फैजान भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे हर एपिसोड पे जो आपका फीडबैक आता है ना अलग जी। माशाल्लाह जो आपने 10-12 नकली अकाउंट बनाए हुए उससे जो आप अपने लिए मैसेज करते हैं हमें पता है, लेकिन वैसे सीरियसली बड़ा जबरदस्त फीडबैक आता है आपका, तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की, मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। आदि भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त। आप बताइए। मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। रिकवरी थोड़ी स्लो चल रही है। अच्छा, चल रही है। मैं आपको बताऊं क्योंकि आप लोग तो ये लोग ये जो शो है थोड़ा लेट देखेंगे। हाँ। लेकिन कल मैंने एक स्टोरी लगाई थी। हाँ। और लोगों ने, उस स्टोरी में कुछ भी नहीं था, सिर्फ यहाँ की तस्वीर थी, और सब लोगों ने आपके लिए दुआएं भेजी हैं और ये भी कहा है कि बहुत शुक्रिया कि रिकवर होती है, आप काम कर रहे हैं हमारे लिए। यार बहुत जरूरी था, बिकॉज इसके बगैर तो काम नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल तो ऐसी बहुत है। जरूरी था। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने, पूरी टीम ने मेरे लिए मैनेज की चीजें। हाँ, बिल्कुल। और उसको डिले किया और जब तक मैं रिकवर नहीं हुआ सबने काम शुरू। काशिफ भाई थोड़ा मसला कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने कहा फैजान को कोरोना हो गया तो अभी 15 दिन छूट नहीं कर पाएंगे। फिर कहते हैं मेरे पास डेट्स नहीं है। काशिफ भाई जी वो दांत में तकलीफ थी ना। दांत में तकलीफ थी? आपकी उम्र में दांत है ही नहीं लोगों के। इनको दांत में तकलीफ नहीं थी, इनको तकलीफ थी सर में। दांत में, सर में, सर में, सर में तकलीफ थी सर में। क्योंकि जब ये घर गए तो इनको पता चला कि इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं रहे। काश में दांत में तकलीफ क्यों थी? कीड़ा था जी। जी कीड़ा है, कीड़ा लगा हुआ है तो निकलवा लिया। काशी भाई अभी फंसा हुआ है, निकलवा लूंगा। काशी भाई फंसा हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं आप कीड़े को। मुझे एक बड़ा पुराना वाक्य याद आया। आपको पता है कि कीड़ा तो निकलवाएं? जी जी, दांत में कीड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काशी भाई का एक पुराना वाक्य मुझे याद आ गया। जी सुनाइए। इनके वाक्य पुराने ही हैं। वो काशी भाई एक बार दरख्त पे चढ़े। हाँ। तो दरख्त से छलांग मारी तो गिर गए। फिर इनका हाथ टूट गया। ओहो। तो डॉक्टर के पास गए तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब वो दरख्त से छलांग मारी हाथ टूट गया। तो डॉक्टर ने कीड़े मार वाली दवाई लगा दी इनको। क्यों? तो इन्होंने डॉक्टर को कहा टूटा हाथ है, दवाई तुम कीड़े वाली लगा रहे हो। हाँ। डॉक्टर ने कहा कीड़ा धान पे चढ़ के छलांग मार रही थी। क्या बात है। तो याद आ गया मुझे एकदम। हाँ तो भाई रिकवरी चल रही है। हाँ। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि शो थोड़ा सा लेट ऑन ईयर होता है। हाँ। हम पहले से रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है कि जी स्कूल्स खुलने वाले हैं। बिल्कुल है, ठीक है। और यहाँ आते हुए रस्ते में जो मैंने यूनिफॉर्म्स की दुकान के बाहर रश देखा, बिल्कुल इसी वजह से स्कूल्स दोबारा बंद हो जाएंगे। हाँ, फिर भी लोग एसओपीस फॉलो नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। मेरी समझ से बाहर है जी, हम लोग कैसे लोगों को समझाएं। मैं और आदि तो खैर हाथ तक जोड़ चुके हैं कि भाई खुदारा इस चीज को सीरियस लें और प्लीज वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ये सिर्फ ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ये बात तो हो गई, ये बात हो गई। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमें बहुत पसंद हैं। बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं। बेशक इन्होंने फिल्म में भी काम किया है, टीवी पे भी काम किया, और हर दफा जब भी आते हैं अपने काम की वजह से अपना लोहा मनवाते हैं। बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, बड़े अरसे से काम कर रहे हैं और हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि इनको बुला लें, लेकिन ये जी आ गए हमारे गेस्ट। बिल्कुल आ गए, बिल्कुल। और बहुत मजा आने वाला है, इनको हम थोड़ा सा तंग करेंगे। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर हसन नियाज़ी। हेलो, वेलकम टू द मजेदार शो। सर थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने अभी जो इंट्रोडक्शन करवाया मजा आया मुझे। आया आपको मजा? बिल्कुल मजा, चले किसी को तो आया। जरूरी है, सबका एक ही लिखा हुआ है, नाम बदल लेते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने इतना काम नहीं किया हुआ। बिल्कुल, वो चेंज होता रहता है सबके साथ साथ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं? मुझे भी मैं सुन रहा था कोविड हुआ। हाँ जी बिल्कुल। ये कोई पार्ट ऑफ जोक था या नहीं? नहीं एक्चुअली ये वाला जोक बिल्कुल नहीं है। आई वेंट थ्रू इट।
और अल्लाह ताला ने बड़ा कर्म किया, लोगों ने बड़ी दुआएं दी, वैक्सीनेशन हुई भी थी मेरी, तो इट वाज गुड, अल्लाह का शुक्र है। खैर से लोग भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, सब लोग घरों पे भी सब लोग उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है। हाँ, क्योंकि हम जो हालात देख रहे हैं, लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं है इस बात को। अच्छा, मैंने तो ये देखा कि अगर एक्टर कोई पोस्ट करता है कि मुझे कोरोना हो गया, तो अक्सर लोग ये कह रहे थे अभी इसको पैसे मिले, ये इसलिए लिख रहे हैं। ये तासुर भी है, और जो लोग वैक्सीनेशन का कह रहे हैं तो कह रहे हैं ये इन्होंने पैसे लिए होंगे। एक्चुअली पेड प्रमोशन इतनी ज्यादा हो रही है, हाँ। तो शायद लोगों ने कहा कोविड की भी शायद कोई पेड प्रमोशन आ गई है, हो रही है शायद, चल रही है। असल में काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त चल रहा है। असल में कम काम करते हैं, मैंने देखा है बहुत ज्यादा काम नहीं करते, इसकी क्या वजूहत है? कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा काम करूँ, कुछ अपनी सब्सटेंस दे सकूँ, अगर नहीं मिल पा रहा होता तो फिर मैं रूटीन वर्क में उसको ऐसे करने की कोशिश करता हूँ कि ये मैंने किया है, ठीक है, राइट। सो बीच में वालिद साहब की डेथ की वजह से भी एक साल ऑफ रहा, शेरदिल फिल्म की थी उसकी वजह से आई वाज बेड रिडन फॉर गुड वन ईयर ऑलमोस्ट, उसने बड़ा गैप दे दिया था स्क्रीन पे, बट अभी काम थोड़ा सा कोविड के साथ साथ रूटीन बना रहा हूँ। तो आसन भाई, मेरा एक सवाल है, जब भी ये कोई कहता है कि भाई मैं कम काम करता हूँ, घर का चूल्हा कैसे चलता है फिर? मैं अकेला रहता हूँ ना, तो वो चाय के लिए जितना चलाना होता है चल सकता है, चाय पे काम चल रहा है, ठीक है, ये भी सही, ये भी है। और एक मेरा जो सवाल है जो मैं आपको जब देखता हूँ मेरे अंदर गूंजता है, आप मोटे भी नहीं होते यार, आपका क्या मसला है? मैं आपको जब से देख रहा हूँ आप इतने ये, अच्छा ये जब आप आते नहीं हुआ था ना, हाँ। तब भी आदि मुझसे पूछ रहे थे कि यार हसन भाई को मैंने जब से, हम कब से जानते हैं, हसन भाई ऐसे ही है माशाल्लाह। मैंने कहा ये इनको नहीं पता, मैंने कहा एक जमाने में बाकायदा टॉप मॉडल रहे हैं। अच्छा वाकई? मैंने कहा जी। तो वो मॉडल निकल क्यों नहीं रहा अंदर से, आप बिल्कुल फिट कैसे? स्टैंडर्ड्स चेंज हो गए हैं, लोगों की प्रोफेशनल्स की अप्रोच चेंज हो गई है, फैमिली बैकग्राउंड इतना ज़्यादा उसको सपोर्ट करता नहीं है कि आजकल का मैं मॉडल बनूं, एंड फिर ये है कि पुराना जाता है तो नया आता है, पुराना जाता है नया आता है, वो वाली बात भी है। एंड मोटा इसलिए नहीं होता क्योंकि समहाउ रूटीन ऐसी है कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, खासतौर पर क्रिकेट जो है वो हमेशा से रही जिंदगी में, ठीक है, तो चल जाता है काम, चल जाता है। नहीं नहीं, ये ऐसे काम चल रहा तो बेड़ा घर को ऐसा ना करें। अच्छा, आपने माशाल्लाह फिल्म में भी काम किया और फिर टीवी पे भी काम किया, ये भी हम सवाल उन लोगों से पूछते हैं जिन्होंने दोनों मीडियम्स पे काम किया हुआ, क्या फ़र्क फील होता है ट्रांजिशन में? एक एक्टर को मेरे ख्याल में फिल्म करते हुए जो एक्टिंग का क्या कहना चाहिए, पेस है या एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज जो है बड़े स्क्रीन के हिसाब से, वो पिक कर लेनी चाहिए, ठीक है, दे कैन बी गुड एट इट। अगर आप वो छोटे स्क्रीन के हिसाब से एक्ट कर रहे होंगे सोलोज एंड वो वाली चीजें, तो फिर मसला है। वो कहते हैं कि जी टीवी पे जब हम काम करते हैं तो ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, थोड़ा सा आपको आगे चला जाता है कैमरा, तो वो फिर आपको फिल्म की बड़ी स्क्रीन के हिसाब से नॉर्मल लाइन भी उतनी एनर्जी के साथ बोलनी होती है कि ना तो आप ऑड लग रहे हो और ना ही आप बिल्कुल ठुस लग रहे हो। सही बात है। सो देयर शुड बी अ डिफरेंस के हाँ यार, यही एक्टर्स जो है वो टीवी पे भी नजर आते हैं, हमारी इंडस्ट्री में नहीं है ऐसा, वो सेगमेंटाइज नहीं हुआ हुआ कि यार ये फिल्म का एक्टर है, ये टीवी का एक्टर है, ये सोप ओपरा का एक्टर है, ये सिटकॉम का एक्टर है, वो क्लासिफिकेशंस नहीं है हमारे पास। जो भी करना है फिर एक्टर ने खुद करना है, बिल्कुल सही है, करना भी यही है, करना भी यही है। तो आपको क्या लगता है कि ये सेगमेंट्स होने चाहिए हमारे यहाँ या इट्स ऑल राइट? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ताकि फिल्म्स के लोग अलग हो जाएं, बिल्कुल होने चाहिए। एंड उसके बाद फिर आप उनको जो है वो क्रॉस चेक करते रहे कि फैजान बहुत अच्छा सीरियस रोल करता है, इसको किसी चीज़ में कॉमेडी रोल करवा के देखते हैं, तो वो व्यूअर्स के लिए भी एक यूनिक चीज़ होगी। लाइक वो जो एक होता है टिपिकल क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट कास्टिंग, जी उससे हट के आप निकल जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल्स में मतलब मेरा अगला सवाल यही आने वाला था कि मैंने नोट किया है कि दो तरीके के कैरेक्टर्स आपसे बहुत करवाए जाते हैं, एक तो नेगेटिव कैरेक्टर्स, इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता, ना आपकी वाइफ नेगेटिव है ना आपकी शक्ल नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर, और दूसरा हिंदू कैरेक्टर्स के साथ क्या सीन है आपका? ये मैं हर दफा जो है ना वो नेगेटिव रोल करने मतलब के बाद, आकाश चोपड़ा भी हैं, अच्छा? अरुण वीरानी भी हैं, यस हैं, और माशाल्लाह दोनों में एक डिफरेंस है difference, आप जब देखें ना, बहुत डिफरेंस। और ये नहीं कि मैं ये सामने बैठे इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है हर किसी के बस की बात नहीं होती, अगर क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि अगर आपको बोला जाए कि जी हिंदू कैरेक्टर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहते हो कि अच्छा चलो यार मैं कुछ चीज़ें पिक कर लेता हूँ, लेकिन इनके दोनों कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट हैं, तो ये वाला क्या सीन है? मैं जब भी कोई नेगेटिव रोल करता हूँ मैं खुद अपने ऊपर परेशान होता हूँ, अच्छा ये कमीन की भी कहीं हसन तेरे में थी, चल ठीक है, बट अफसोस भी होता है कि पेटेंट कास्टिंग का शिकार हुआ। सीता बागड़ी नो डाउट इज अ माइलस्टोन इन माय करियर, नो डाउट अबाउट इट, आज तक लोग जो है वो इस चीज़ को कहते हैं आप वो हैं आप जी, वो हैं, और उसका इम्पैक्ट व्यूअर्स एंड इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा आया कि आई
started believing now कि फैजान director ना on set थोड़ा सा relax रहने के लिए ठीक है, तो negative तो इसको दे दो ना, ठीक है ये तो कर लेगा, ये तो संभाल लेगा, यहाँ से तो आप relax हो जाएंगे, अब इसको ले इन वालों पे लाने को chance दे दो, इनके साथ हम जो है ना वो सर खपा लेंगे, बिल्कुल ठीक है। थैंक्स टू आर फोर्सेज जिन्होंने शेरदिल के वक्त जो है वो बड़ा पॉजिटिव स्टांस रखा हुआ था पाकिस्तान में, ISPR की तरफ से एंड एयरफोर्स की तरफ से हमें बड़ा क्लियर ब्रीफ था कि वो कोई शक्लें बना के हिंदू और वो नहीं करना है। एंड स्क्रिप्ट वाज वेरी वेल रिटन, असफर वाज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा स्मूथली लेके हम उसको चले कि ठीक है हम उस पॉइंट पर भी जाके ज़रा देखते हैं कि ये फोर्सेस में भी कोई नफरत नहीं है, देयर इज सम एजेंडा जिससे दो पायलट्स का कंसर्न नहीं है, और वो स्क्रिप्ट में भी हमने फिर उसको बकायदा एक सीन के अंदर ब्रीफ कर दिया कि जो तुम बता रहे हो ये आई कांट बाय दिस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो अब मुझे बताएं, जब ये फिल्म आपके पास आई और आपने कहा, आपको बताया गया कि जी एक एयरफोर्स पर फिल्म बनी, आपने ये नहीं बोला कि यार मुझे ये पाकिस्तान वाला कैरेक्टर दे दें, मैं मिकाल वाला कर दो, मिकाल से वो करा लें, या उन्होंने कहा कि मिकाल इंडिया वाले के लिए बहुत गोरे, या बोला आपके वीजा पहली बहुत बार लग चुका है वहाँ का तो आप वही करें? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फिल्म बड़ा एक ड्रामेटिक सिलसिले से पहुँची मेरे पास, आई थोड़े से सीन थे, मशवरा सुन्नत है, आई कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड सुल्तान गनी, आई मस्ट टेक हिज नेम, मैं उसे हमेशा मशवरा कर रहा होता हूँ किसी भी चीज़ के हवाले से, तो उसने कहा कि कोई और फिल्म कर रहा है, मैं कह नहीं कर ले, सो वन आफ्टरनून आई गॉट दैट कॉल एंड सेकेंड आफ्टरनून आई वॉज डूइंग द प्रेस रिलीज इन इस्लामाबाद विदाउट रीडिंग द स्क्रिप्ट, विदाउट एनी होमवर्क, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने राइटर प्रोड्यूसर को कहा मैं बस वो स्क्रिप्ट पढ़वा दे, मजा आता है एंड में टेली फिल्म निकल आती है। ऐसा भी हुआ होगा मुझे ऐसा फील होगा, ऐसा भी हुआ होगा। तो वो पढ़ा मैंने कहा अच्छा बढ़ भी नहीं सकता काम क्योंकि सेकेंड फ्रेम इन सारी चीज़ें होती हैं, तो वो बर्डन था कि इस अपीयरेंस में भी हसन को अपनी सब्सटेंस देनी है कि हसन ने ये फिल्म किया आफ्टर मालिक, बिल्कुल कहाँ वो मालिक है, वो इसमें फिर कुदरत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बड़ी मेहरबान रही। जब इसका टीज़र लॉन्च हुआ तो 5-6 दिन के बाद मेघवन गिर गया उनका, अच्छा मुझे नहीं आइडिया था कि आई वॉज अवे फ्रॉम द न्यूज़, इंडिया का जहाज़ गिर गया, मैंने कहा अच्छा वहाँ कहीं दुनिया में गिर गया, और कहते हैं एयरफोर्स का जहाज़ गिर गया, मैंने कहा अच्छा गिर गया होगा, जब पाकिस्तान में गिर गया भाई मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, एंड मैंने शुक्र भी अदा किया कि ये इंडिया का गिर गया, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड ये जो पाकिस्तान का गिर जाता, बिल्कुल सही बात, तो कौन देखता हमारी एज नेशन मोराल हमारा जो है ना वो बड़ा डाउन हो जाता। जी 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 पूरी स्टोरी मैंने जब उसकी सुनी न्यूज़ में फॉलोअप किया, मैं सर पकड़ के बैठ गया और लोग मुझे कह रहे हैं यार तुम लोग मीडिया वाले कितने खबीस हो, तुम लोगों को पता था? नहीं नहीं पता, तुम लोग तैयार थे, कितने जहाज गिरे तुमने महीने में फिल्म बना दी, वाह वाह वाह, मैं कहूँ अल्लाह याद है कि मुझे आप मुझे बताएं ये प्रोसेस कितना लंबा था, कितने अरसे में शूट हुई, बिकॉज ये एक आम फिल्म नहीं थी, शूट ऑलमोस्ट 4 मंथ 4 मंथ में, ठीक है विद गैप्स, एंड मैं उसके बाद 10-11 मंथ आई वाज बेड रिटन। जी मैं चाहूंगा कि अगर आप वो शेयर करना चाहें हमसे, मुझे तो पता है लेकिन लास्ट सीक्वेंस में पायलट अरुण बिरानी वाज हैंगिंग, वो जीडी पायलट का लास्ट स्टेज होता है फिटनेस का, मैं मैस से 2 पराठे 2 ऑमलेट खा के मैं गया चलो यार सेट पे चलते हैं, बोर हो रहा हूँ, मैं यार आज भी आउटडोर और बाकी लोगों के काम करेंगे यार उनकी भी शूट होगी, कहते नहीं आज आपका सीक्वेंस उधर तैयारी हो रही है, आई गॉट एक्साइटेड, यूनिफॉर्म पहना, बेड लगाई, दरख्त पे लटक गया, दरख्त पे लटकना तो ठीक था कि चलो गैप आया आपने रेस्ट ले लिया, जब शॉट हो रहा था तो वो कभी ड्रोन की बैटरी डाउन हो रही है, कभी ड्रोन का फोकस आउट हो रहा है, आप उसमें आप ऑपरेटर से क्या, आप लटके हुए, मैं लटका हूँ हवा में, अच्छा वो आवाज़ भी नहीं आ रही, तो गाड़ी में अक्सर सीन होते हैं ना ड्रामो के अंदर, तो स्पीकर पे फोन पड़ा हुआ है भाई कट हो गया है, हाँ, फैजान भाई कट हो गया, फैजान भाई आ जाए, ऐसी है, वो कोई आवाज़ भी नहीं मार रहा भाई टेक लगा ले, हसन भाई लटका हुआ है सर्वाइकल का नीचे L5 में मसला हो गया, मैं अच्छा तो हल्की सी पेन है, खैर है शूट चलती रही, आए क्रिकेट खेलते रहे, कभी रफ सर्फिस पे कभी ऑन द रोड, And I was limping like dog. तो दोस्तों ने कहा ये तुम्हारी हैमस्ट्रिंग का इशू नहीं है, दिस इज समथिंग सीरियस, चेक करवाओ, चेक करवाया तो डॉक्टर ने कोई काम है, किसी से मिलना है, कोई डेट शेट मारनी है, मैं कह रही हूँ कितने आप हॉस्पिटल पर हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ओह हॉस्पिटलाइज नहीं,
तो वो बड़ा एक स्वेयर फेज था कि मेरे स्लीपिंग पॉस्चर्स के ऊपर काम किया गया कि इसको सही से सोना चाहिए, अलार्म लगा के बार बार मेरे पॉस्चर्स ठीक किए गए कि मुलाज़िम होता था घर पे, तो उसमें हसन भाई सही से सोए, फिर जब पॉस्चर सही हुए तो फिर नींद की गोलियां खिला के मेरी नींद पूरी की गई, मसल्स रिलैक्स हों, थेरेपी चलती रही है, और जब मैं बिल्कुल थक गया है मेंटली सिक, मैं कहता हूँ सब बस कर दे, डॉक्टर कहते हैं यार तुम भी जो है ना ट्राई करो दूध हल्दी मैं कर, डॉक्टर आज जेबा खाली हो गई हैं मेरी, यहाँ टीके ठोक ठोक तू 11 महीने, मैं कहा अब दूध हल्दी मैं कर नहीं, अब तो दूध हल्दी भी नहीं। वो एक फेज था शॉर्ट, आई वाज हैंगिंग गुड 80-85 minutes इन द ईयर, और इसने 11 महीने रुलाया मुझे। अच्छा चलें 11 महीने तो रुलाया, लेकिन जिनकी आपने फिल्म की उन्होंने इसमें क्या फिर आपके साथ किया, मतलब उन्होंने हमेशा बड़ा जिम्मेदारी के साथ फोन किया, तबीयत पूछी, जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा जी दुआ कीजिएगा, उन्होंने दुआ भी की होगी। अच्छा और एक इंसान क्या कर सकता है खासतौर पर फिल्म प्रोड्यूसर, बस यही मैंने पूछना था इंसानी तौर पे, तो अगर आपके कोई प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा है चाहे वो एक्टर हो चाहे वो मजदूर हो, अगर आपके काम पे रहते हैं उसको कुछ होता है तो मेरे ख्याल से यू आर सपोज्ड टू टेक केयर, बड़ी इंडस्ट्री में होता होगा सर, इंसानों के दरमियान होता है, बड़ी छोटी इंडस्ट्री की बात नहीं, देखें आपको आपके वर्किंग एटमोसफेयर का बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी पर्सनैलिटी पे, हमारी इंडस्ट्री को कभी एज प्रोफेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया अभी, समझे, लेकिन हमने कोशिश भी तो नहीं की है ना, लेकिन हम हमेशा कहते हैं यार ऐसे ही होता है, ये नहीं होता कि यार मैं दाल रोटी से ऊपर कुछ खिला दूं, या दाल रोटी आती है बस दाल रोटी होती है बस, हमने भी तो कुछ देखिए अपने अंदर भी खामियां होती हैं। हाँ आप अगर कुछ अचीव करना चाह रहे होते हैं एक सर्टेन रिस्पेक्ट लेवल या कोई चीज़, उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, आपको दाल रोटी छोड़ के एक टाइम भूखा रहना पड़ेगा, राइट, बट somehow हमारी इंडस्ट्री भी छोटी है, फिर हमारे प्रोड्यूसर उसके ऊपर वैसे ही बड़ा लोड होता है क्योंकि वो 400% करेगा तो जीरो पे आएगा, फिर उसके बाद कोई तीफा जैसा ब्लॉकबस्टर होगा जो ऑफ सीजन आए और छा जाए। तो ऐसा कमी है। चलें ये हमने कर ली इंतहाई संजीदा बातें, अब मुझे बताएं किसने इंस्पायर किया कि जी मैंने एक्टिंग करनी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आया था लाहौर से जब शिफ्ट होने, तो मैं मॉडल बनने आया था, मॉडल ठीक है, और बता के आए थे घर पे मैं मॉडल बनने जा रहा हूं जी, बड़ा वो मतलब मसले मसाइल थे मेरे। अच्छा, चाचा लाला जी ने क्या मसले मसाइल थे, किसने कहा कि क्या करने जा रहे हो, चाचा ने कहा मेरी बहन को ब्याही हुई है चाचा के घर में, ठीक है इसका कमरा 2 हफ्ते के बाद साफ कर देना, इसके अंदर का दिलीप कुमार मर जाएगा। वो दिन और 2.5 साल के बाद मैं जब घर गया था, मतलब चाचा गेट वो मेरा बैग शैग उठा रहे थे, मैं चाचा छोड़ दिया। So this is my family background. ठीक है। बड़ी बातें और ये वो, क्योंकि और आसपास किसी ने कोई इस इंडस्ट्री में नहीं है। आपने तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या हुआ ये कि जी मैंने करना है ये मॉडल क्यों बनना है? मुझे बचपन से एक क्रेज था कि मैंने मॉडल कुछ नहीं नॉट द मॉडल जी पक्का ही ना हो जाए मॉडल मुझे ये था कि आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर ठीक है एंड मेरा ड्रीम ये था कि मेरी सब्सटेंस होनी चाहिए कि अल्लाह की ज़मीन पे एक इंसान आया हसन फलाह का बेटा था और मैं अपने फादर के लिए जो है वो बाइस फ़ख्र बनूँ, नहीं जा सके वहाँ पे, तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि जिससे आप अपनी पैदाइश और अपनी रिहाइश को हाईलाइट करवा सकते हैं, राइट। मैं कराची मूव हुआ टू प्रोसीड इन दिस करियर एज मॉडल, तो जाहिद गौरी साहब मेरी तारिक रोड पे मेरा जहाज़ लैंड किया, आके मैं वहाँ पे रुका, पता लगा कि जी ये एक्टरों की मंडी हुआ करती थी कभी, वो तो अब शिफ्ट हो गई है, तुम बहुत लेट हो, मैं कि जी वो मनीर न्याजी साहब की नज़म है बहुत देर कर देता, हमेशा देर कर देता हूं। मैं भी न्याजी हूँ तो मैं उसकी लेगेसी में लेट ही आऊँगा ना, वो वाला प्रेशर भी लेके चल रहा हूं, वो इंप्रेशन भी लेके चल रहा है। उनसे मैं अच्छा वो मेरा जहाँ पे रिहाइश थी तारिक रोड पे सामने उनका स्टूडियो था, मैं कुछ ना हो जाके उनका दरवाज़ा खोल दूँ, मैं कि जी मॉडलिंग करा दें, तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि सुपर मॉडल बन जाओगे, 10-15-20 ब्रांड्स हैं, सबके कमर्शियल कर लोगे, उनके बाय प्रोडक्ट्स सब कर ही नहीं सकोगे, राइट, बी एन एक्टर। अच्छा मैं कह जी क्यों, कहते हैं आज छोटे भाई बनोगे फिर हीरो बनोगे फिर बड़े भाई बनोगे फिर अब्बू बनोगे फिर दादा बनोगे डेड बॉडी का करेक्टर, राइट। यार बात तो सही, माइलेज जरा ज्यादा है, माइलेज ज्यादा है बिल्कुल, गुलाबी उर्दू थी तो
फिर मीर तकी मीर और गालिब साहब को ऊंची आवाज़ में पढ़ा कराची हाइट्स के सामने, उन्होंने उर्दू ठीक की एंड ग्रेजुअली फिर पता किया अच्छा यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ पे भी प्रोडक्शन हाउस है। तो जो कभी ड्रामा लाहौर में फहीम बनी साहब शूट करने आए थे, उसके 18 सीन्स कॉपी करवा के बड़ी मुश्किल से एडिटर से VHS खरीद के कभी इधर कभी उधर, मैं कहा ड्रामा मिल नहीं रहा, हर दफ़ा 400 की VHS लेनी पड़ जाती है। मैं एक ही दफ़ा गया, मैंने 10 कॉपियाँ करा ली। मैं कह बार बार ये वाला रक्षे प्रोसेस तो खत्म हो, ये रक्षे का किराया तो बचे ना, सही है। तो उससे 2 VHS बन गई मेरी। अच्छा, मतलब 8 खरीदनी पड़ी, 2 रक्षे के किराए से निकल गए। तो 10 की मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई कि 10 कॉपीज हैं, 10 कॉपीज हैं, 10 हाउसेस को मैं तंग कर। 10 हाउसेस थे उस वक्त? उस वक्त मतलब नहीं भी थे, तो जिस कोई अगर पीछे भी सोच भी रहा था तो जिसके हाथ में डायरी होती थी और तस्वीरें होती थी भाईजान, यही है वो हम तो सीवी पे तस्वीर की, चाहे उसके रंगीन के इलेक्ट्रिक के बिल भी होते थे, मैं समझता था शायद ये बंदा जो है वो प्रोफाइल लेके घूम रहा, भाईजान मैं लाहौर से आया हूं एक्टर बनने के लिए आया हूं, और पैदल क्लिफ्टन से तारिक रोड आना ये एक नॉर्मल सी बात होती थी काम ढूंढने के लिए। ये है फिटनेस की वजह। ये भी एक फिटनेस की वजह। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने मॉडल बनना था तो आपके चाचे पुप्पे ने ये नहीं कहा मैं जानता हूँ आप काम के लिए बुलाते हैं फिर काम? सॉरी, I didn't get that। नहीं नहीं, काम के लिए बुलाते हैं, काम के लिए बुलाते हैं और फिर काम? नहीं, क्योंकि हमारे परसेप्शन, क्योंकि ये मैं हमेशा सुनता हूँ, मैं आज तक ये सुनता हूँ कि अगर कहीं बात हो रही है ना मॉडलिंग की, तो कहते हैं यार मॉडलिंग को छोड़ो, वहाँ तो जाओ ना फिर काम। वो बहुत ज़्यादा होता गया एंड आई बिलोंग टू अ स्पेशल फैमिली, तो मुझे घर में वालिद साहब ने बड़ा क्लियरली इस हवाले से इंस्ट्रक्शन दी कि पुत्र कुछ भी कर ले ये गलाजत जो है ना ये ना रहना। ठीक है, मैं कह जी जमाना तो पूरा गरीब है, जरा ब्रीफ कर दें कि क्या 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 आप क्या एक बाउंड्री बना दें, प्रिसाइजली ये गंद नहीं करना तुमने। वो यूं वाला चीक करके मैंने क्रॉस लगाया। ठीक है, कह जी ये तो चैप्टर क्लोज हुआ, फिर अब अल्लाह राजी के जितने कोई उर्दू बोल सके बोलेंगे। सो ज़्यादा फोकस करने लगे एक्टिंग के ऊपर। सीनियर से मेरी बड़ी शिकायत होती थी, मुझे कभी खान साहब ने एक दिन का एक सीता बागड़ी के सेट पे, मियाँ अब तुम ड्रामों को मना करना ना शुरू कर देना। मैं कि सर 3 दिन पहले अगर आप समझाते तो मैं ज़रूर अच्छा सुनता। 2 को तो माजरत की है क्योंकि अब इसकी चस आ गई है। राइट, एंड सीता बागड़ी एक और बात, मैं इस चैनल का प्रोजेक्ट था वो बताऊँ, मुझे वन डे करी साहब कहते हैं हाँ भाई कैसा लगा तुम्हें स्क्रिप्ट? मैंने कि रूटीन का ड्रामा है, बट्स न्यू, सब हम पुराने हैं। राइटर डायरेक्टर इकबाल हुसैन साहब, उनका पहला स्क्रिप्ट, पहली डायरेक्शन, तो दिस इज़ समथिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीधे होकर। तो तुम्हें पता है अगर पूरे ड्रामे में मुझे कोई कहता कि अपनी पसंद का कैरेक्टर ले तो हसन न्याजी, मैं अपने करियर में ये कैरेक्टर चूज करता हूँ, तुम कह रहे हो ये आम ड्रामा, मुझसे बात मत करना, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक टू मी जब तक तुम पूरा स्क्रिप्ट ना पढ़ो। एंड ही वाज डैम सीरियस एट दिस पॉइंट। अरे बाप रे, मैं घर आया, मैंने सरे वक्त से पढ़ना शुरू किया तहरीर इकबाल हुसैन दौरानिया 50 में एपिसोड 1 सारी पेज नंबर एवरीथिंग एवरी सिंगल इंक प्रिंटेड ऑन दैट, आई गॉन थ्रू दैट। जबरदस्त। और 5 दिन बाद कहते हैं हाँ भाई, मैं कि सर पढ़ लिया पूरा पढ़ लिया, कहते हैं तुम्हारी एनर्जी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है इसलिए आज मैंने तुमसे फिर 5 दिन बाद की। वाह, ये होते हैं सीनियर्स जो आपको ऑब्जर्व सिखा देते हैं, बिल्कुल सिखा देते हैं। आई वाज लकी कि मुझे, मैं जब आया तो इतना मैकेनिकल नहीं थी इंडस्ट्री। मैं शफी साहब के साथ, काजी साहब के साथ, मरहूम दोनों, इन लोगों के साथ, बद्दू आपा के साथ, खान साहब, कभी खान साहब, मैं आई फील सो लकी कि इन्होंने अपने साथ बिठाया। बिल्कुल बिल्कुल, कि पढ़ो। अच्छा। पढ़ने के बाद मैं गया, मैं कि जी ये सही हो गया, इसको यूं कर लेते। सीता बागड़ी में ड्यूरिंग सीन मैं लाहौर से आया हुआ था तो थोड़ा सा गुलाबी एक इम्पैक्ट आ रहा था लैंग्वेज में, बुशापा कट करें, बेटे इसको यूं बोल दे, बड़ा अच्छा कर रहा था, इसको दोबारा यूं कर दे। मैं कि जी क्यों, कहती ये लफ्ज़ जो है ना तुमने लाहौरी स्टाइल में बोल दिया। यार आई स्टिल लकी के सीनियर्स गर्मी में बैठ के क्यूज भी दे रहे हैं मुझे, बड़ी बात, और इतना ध्यान रख रहे हैं मेरी डिलीवरी के ऊपर, डिलीवरी साथ बिठा रहे हैं। यस, वरना यहां मिलियन फॉलोअर्स के बाद। अच्छा हसन भाई, अब ये बताएं आप तो बहुत लकी थे, हम माफी मांगते हैं। मैं कहता हूं ये शाहरुख खान कास्ट किया है इसके सोने पहले कर रहे हैं कि अब आप तो बहुत लकी थे माशाल्लाह, जो आपने नाम सारे बताए सब लेजेंड्स हैं। यस, और सबने इतना सीरियस होकर आपको सुना भी, देखा भी, और करेक्ट भी किया जहां करना था। और ये आपका भी वो, मैं कहता हूं कि ज़र्फ़ है कि आपने उसको एक्सेप्ट भी किया, एब्जॉर्ब भी किया, और आप एक्सेप्ट करते हैं कि जी मैंने सीखा। अब आप भी
एक लीग ऊपर चले गए, ठीक है ना, अब आप भी एक सीनियर लेवल पे आ गए, अब जो लोग आपके साथ काम करते हैं क्या आप उनके साथ ऐसे ही हैं? मेरी लर्निंग एबिलिटी वही है, लेकिन जो मैं आज सीख रहा हूँ ना नए आने वालों से, वो मेरे अच्छा, मतलब का नहीं। उनसे भी सीख रहे हैं? उनसे भी सीख उनसे रहा हूँ। क्या सीख रहे हैं? वेरी गुड। क्या सीखा आपने? ये नहीं करना। आप वाला काम नहीं करते जो रोज रात को एक घंटा बैठना होता है कि एप्लीकेशन पर बातें करनी होती हैं, लोग डायमंड देते हैं? नहीं, डायमंड देते? हाँ, नहीं कर रहे आप? मुझे कॉल आई थी। आई थी ना सर? मैं 45 मिनट की मुझे आई थी। मुझे कॉल आई थी कि मैं आपका अकाउंट मैनेज करूंगा, मैनेज करूंगा। मैं क्या, मुझे आज तक अपना मैनेजर नहीं मिला, मेरा किस चीज का अकाउंट मैनेज करेगा? कितने जी उस ऐप के ऊपर जो है ना, वो मैं आपको मैनेज करूंगा, 3.5 लाख रुपए आपको महीना मिलेगा। मैं सीधा हो गया, मैं कि ये कौन सा मैनेजर है जो 3.5 लाख दे रहा है? करना क्या होगा? मैंने कहते हैं आपने बातें करनी है। किस से? कहते हैं लोगों से। मैं किन लोगों से? कहते हैं एप्लीकेशन है, उसमें लोगों से बात करनी है। मैं कि यहाँ तक समझ में आ गया, मुझे ये बताओ उस एप्लीकेशन में लोग कौन होंगे? कितने रैंडम पाकिस्तानी होंगे? ऐसी है। मैं कह, मैं इस आवाम को 14 अगस्त का ईद का पैगाम नहीं देता। तुम कह रहे हो मैं रोजाना उनके साथ बैठ के बात करूं? मैं इमेजिन कर रहा हूँ एकदम से, मैं एक दिन एप्लीकेशन को हसन भाई ना बनी वाला सूट पहन के बैठे होते हैं। नहीं तो आपने किसी जूनियर को करेक्ट करने की कोशिश की कि यार यार थोड़ा गलत कर रहे हो, इसको जरा सही कर लो? की फिर, और बाद में अफसोस हुआ कि उसकी एबिलिटी नहीं है। अच्छा, वही छोटी सी चीज होती है ना। हाँ, हाँ, हाँ। इसको यूं कर लो तो आपके लिए अच्छा है, सीन आपका बड़ा हो जाएगा, इस सीन में मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आगे ड्राइव दे रहा हूँ। कोई सीन नहीं है कहीं? ऐसा तो नहीं किसी ने बोला यार अब ये बताएंगे मुझे? ऐसा तो नहीं किसी ने अभी तक? तो नहीं अभी तक नहीं। आंखें फेरी होंगे यार क्या बकवास है मैं कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो फिर कुदरत की तरफ से भी थोड़ी सी मेहरबानी होती है, अगर आप कुछ सीख के सिखा रहे होते हैं ना तो आपको अल्लाह बेइज्जती से बचाता है। मैंने अब नोट किया, अब सारी बात होती है लाइक्स फॉलोअर्स पे ना। हाँ। कि यार हसन भाई क्या बता रहे हैं, इनके तो इतने हैं, मेरे देखो कितने, ये अब क्या। मैं उस रात सोया नहीं था जब अल्लाह अल्लाह करके मेरे 20,000 फॉलोअर्स हुए थे। मैं कई अल्लाह सोया नहीं खुशी से, मैं कई अल्लाह 20 से 19 नाम बड़ी शर्मिंदगी होगी। अभी भी 2-2 हफ्ते बाद चेक करके देखता हूं, अनफॉलो भी हो सकता है, अनफॉलो भी हो सकता है। मैं कह ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। वो 20,786 से 20,726 हुए, मैं कह या अल्लाह को कम दे, ऑन एयर जाऊंगा। अल्लाह क्या गलती हो गई, ये 60 फॉलोअर क्यों चले गए? ये तो स्लिप होने शुरू हो गए 19, 19 से 12। मैं कह नहीं अल्लाह नहीं नहीं। अच्छा, ये मतलब आई एम श्योर कि हर तरह के लोग, हर तरह के दोस्त मौजूद होते हैं। किसी ने बोला यार हसन मतलब ये फॉलोइंग बढ़ाओ, पैसे डालो, मतलब इस पे थोड़े से? बहुत बोला मैं कह जी, मैं जिस तरीके से कमा लेता हूँ वो आ जाते हैं, उसके बाद फिर मैं उनको दे दूँ। जिस तरह हमारा कराची में एक इंस्टीट्यूट खुला एक्टिंग के लिए, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार तुम नापा में ना एडमिशन ले लो। मैं अच्छा क्या करूँ, मैं वहाँ पर जाके कहते हैं एक्टिंग सीखो। मैं किस लिए? कितने एक्टर हो तुम? मैं कहा वहाँ पर ना तलत साहब सेट से जाते हैं और पढ़ाते हैं, और मैं सेट पे उनके साथ सीन कर रहा होता हूँ। और तलत साहब अपने स्टूडेंट्स को वो नहीं बताएंगे जो वो अपनी एयरिंग में डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो मैं स्टूडेंट से बहुत आगे उनके साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, और पैसे भी आ रहे हैं। तो पैड़े लग देने से मैं नहीं पहनता ताड़े में, मेरे जाया तो ना कराओ यार। बिल्कुल सही है। मैंने ये समझाया आज तक कि अगर आप सीन को फील नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिलीवर। ये बात मैंने सीखी थी शफी मोहम्मद शाह साहब मरहूम से। क्या बात। अगेन TV1 का एक प्रोजेक्ट था हमारा, आरिफ खान साहब मरहूम उसके डायरेक्टर थे। मैं सीन करके गया, मैं कहा शफी अंकल कैसा है, कैसा किया मैंने सीन? ये पता नहीं क्या आपने किया, ठीक किया होगा। मैं कहा आप बिजी हैं, मैं नहीं अगली बात अभी बात कर सकते तो नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं मैं बिजी नहीं हूँ बेटे, आपका सीन है, आपने किया होगा, सही किया होगा, मैं आपको एक्चुअल जवाब दे रहा हूँ। मैं कहा आप इसका मतलब है मुझे समझाना बताना नहीं चाह रहे? कितने देर आप बैठो? मैं बैठ गया। कितने मुझे आज तक ज़िंदगी में जब कभी भी सीन मिला है, मैंने पढ़ा है और मैंने सोचा है कि ये शफी मोहम्मद तेरे साथ हो गया, फॉर मी दिस इज़ एक्टिंग। ये सेंस है तो मेंटेन कर लो, पॉलिश कर लो, नहीं है तो डेवलप कर लो। डेवलप कर लो, क्या बात है, ख़त्म हो गई बात। और उसी चीज़ को लेके मैं पॉलिश करने में लगा हूँ, या कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि उस नहीं आपको समझ में आ रहा, तो विद द डिस्कशन ऑन सेट विद डायरेक्टर, मैं कहता हूँ अच्छा ये मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, लाहौर में मैंने कभी ये बंदा देखा था, कराची में मेरा अगला सवाल यही था कि जब एक कैरेक्टर आता है तो उसको डिस्कस करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, और ये वाला प्रोसेस क्या होता है? कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 ये आपने होमवर्क नहीं करना, ये आपका काम नहीं, ये मैं दूंगा आपको, क्या ऐसा भी होता होगा? ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। फिर मैं एट दैट टाइम मैं सोचता हूँ कि अच्छा किराया भी देना है, ओके फोन का बिल भी पे करना है। नहीं कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने अगर आपको अच्छी चीज सजेस्ट की है, फौरन से मानता हूँ। हाँ, आप चले जाते हैं उसके साथ? यस, फौरन से मानता हूँ। और नहीं जब समझ आती तो
मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अगर मैं कन्विंस कर सकूँ, क्योंकि डिलीवर मैंने करना होता है ना। कोशिश करते हैं आपकी। मैं सुनता हूँ, अच्छा हो गया, ठीक है, मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, इसको यूं कर लूँ ताकि नेचुरल लगे, प्रिटेंडिंग एक्ट ना लगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी और ने कन्विंस किया हो लेकिन आप कन्विंस ना हुए हो, लेकिन फिर भी काम आपने किया हो? यस। तो फिर वो कैसा लगा, आपने खुद देखा? मजदूरी है, नौकर की तो नखरा की, वो वाली बात। और अपना काम आप कितना देखते हैं, बाकायदा सब देखते हैं? नहीं देखता। बिल्कुल भी नहीं देखते। क्यों? अरे वाह, केबल कटी हुई आपकी? केबल कट जाए तो अच्छी बात है, बट ना देखने की वजह ये है कि आप खुद स्टक हो जाते हैं। खुश पसंदी की बीमारी बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह, बिल्कुल है। वो कर दिया, हो गया, आगे बढ़े। ये अलग ही मेहरबानी है कि आप डायरेक्टर हैं, आपने ओके कर दिया। किसी भी वजह से आपको 15 सीन करने थे या आपको 8 सीन करने थे, बट हर सीन के बाद हाँ लाइट जा रही है, डायरेक्टर इज ओके, एकदम खत्म बात। अल्लाह के बाद उसकी कॉल पे आपने सीन ओवर कर दिया, इट्स डन, आगे चलो। ये बात है। अच्छा, जो फिल्म का प्रोसेस है, ऑब्वियसली उसमें फायदा ये होता है, ड्रामे में तो ये होता है आपने शूट कर लिया, अब आप देखेंगे जब ये आएगा, ठीक है, या फिर कोई निकाल के देगा कि यार ये सीन आपने ऐसा किया था, ठीक है। फिल्म का तो प्रोसेस ये कि आपने शूट कर लिया, अब आप ADR कराने गए और फिर आप देख रहे होते, अच्छा मैंने तो ये किया है, ठीक है, ये इसने यहाँ पे ये किसी और ने भी कुछ किया हुआ है। तो ADR वाले प्रोसेस में जब आप पूरी फिल्म देखते हैं तो ऐसा कभी ऐसा हुआ कि यार ये मैंने बहुत अच्छा किया है, यार ये मैं दोबारा बेहतर कर लेता, ऐसा कुछ? यस, मालिक में जो है वो एक सीन ऐसा था जिसमें मुझे लगा कि ये सीन या तो दूसरी टेक लग जाती, जिसमें मेरी ही लाइन पे फंबल हो गया था, आई फॉरगॉट द डायलॉग। एंड शेर दिल में दो सीन थे जिसके ऊपर मुझे लगा कि ये सीन बेहतर हो सकते थे फ्रॉम मी, ठीक है। एंड उसको फिर कवर करने की कोशिश की हमेशा ADR में थ्रू वोकल रिकॉर्डिंग, के बड़ी स्क्रीन पे बड़ा मुंह, बट इम्पैक्ट जो होता है ना वो आपका सुने का होता है। बिल्कुल, हॉल से बाहर निकलते हैं ना तो लोगों को डायलॉग याद रह जाता है, आपका एक्सप्रेशन मोस्ट प्रोबेबली याद नहीं रहता होगा। सो फिर ADR में लास्ट जो एक वो होता है ना, आखिरी तीर कमान वो वाली बातें, तो उस पर फिर सोच के और बड़ा जंगली तरीके से मैं ADR कर रहा होता हूँ, मैं बाय टेरिस में चला जाऊँगा अकॉर्डिंग टू स्टूडियो, जैसा भी है यार एक सेकंड में दे दें, ये कौन सी जगह से उठाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। हूँ थोड़ा सा मैं पागल एक्टर हूँ, ऐसे लोग कम ही बर्दाश्त कर सकते हैं मुझे। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा, इंस्पिरेशन कोई रही है कि आप अभी जो 7 लोग काम करते हैं इसमें कोई ऐसा है जो आपको बहुत इंप्रेस करता है कि यार इसका काम बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट? अभी के लिए माजरत, आई डोंट लाइक, सब काम कर रहे होंगे अपनी तरफ से अच्छे की कोशिश कर रहे होंगे, बट मेरी इंस्पिरेशन रहे फैसल रहमान, फैसल कुरैशी, राइट, एंड उससे पीछे जाएं तो शफी मोहम्मद शाह साहब, आबिद अली साहब, कबीर खान साहब, ये वो लोग हैं कि तलत हुसैन साहब, बिल्कुल, कि ये सिर्फ देखेंगे भी ना तो 4 लाइनों वाली लाइन से बड़ी बात आंखों में कह जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे है, ये है, ये इन लोगों को हमेशा मैंने फॉलो किया है कि यस, इनकी एनर्जीज कैसे चेंज होती हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कैरेक्टर टू कैरेक्टर। बट अभी के जितने भी मेरे कॉलीग्स हैं, आई एम श्योर कि वो अच्छा काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस मेक्स देम परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, दे बहुत ही मज़ेदार बातें कर रहे हैं हम लोग इस बात, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि ऐसे गेस्ट आए जो बड़े ऑनेस्टली अपनी बात को करें और बड़ी सिंपल बातें करें। ज़रूरी नहीं होता कि आप कोई कोट कहीं से निकाल के दें, कोई शेर सुनाएं तो आपकी बात में वजन आ जाए, बड़ी सिंपल बातें भी बड़ी अगर दिल से आएँ तो बड़ी भारी हो सकती हैं। और आप देख रहे हैं मेरे लिए ज़िंदगी में एक शेर ही बहुत काफ़ी था, जब मुझे इसको प्रोफेशन बनाना था ना, हाँ जी, तो मैंने वाले साहब को कहा, मैं कि जी देखें, अमिताभ का बाप आप नहीं थे, आई बिलोंग टू अ स्पेशल फैमिली, मैं कि जी मेरे फादर आप हैं, दुआ दे देंगे तो अमिताभ भी छोटे रोल कर रहा होगा हमारे साथ, कोई मसला नहीं है, वो दुआ दे दें। तो मैंने कहा पीछे बेटे कुलियाते इकबाल पड़ी है, वो उठाओ, उठाई। हमारे घर में हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहकर पुकारा जाता है, ठीक है, राइट, ठीक है, वो भी एक स्पेशल पर्सनैलिटी है। मैंने कहा जवाब शिकवा खोलो, जवाब शिकवा खोली, पहला शेर पढ़ा, खुदा से उसने एक रोज़ ये सवाल किया, जहाँ में क्यों ना तूने मुझे लाजवाल किया। सर उठा के नहीं समझ आई, मैं कहा आपको लगता है मैं समझ आई भी जवाबी शिकवा अल्लामा साहब की, कहते बेटे हर चीज़ को सवाल है, यू विल टच द स्काई, ठीक है ना, लेकिन तूने भी मौत का मजा चखना, तेरे करियर में भी अप्स एंड डाउन आएंगे, सुना फ्रस्ट्रेटेड होना ड्यूरिंग द जर्नी, और ना ही कभी ऊपर जाके जो है ना वो ना खुदा बन जाना है कि जी यू द बेस्ट एंड यू द लास्ट। मैं कह जी ठीक है,
कहते हैं ये समझ में आ गई है बात, मैं जी कहते हैं बंद करके पीछे रख के वो बराबर कर दिया। मैंने जैसे मैंने कहा बड़ी सिंपल सिंपल बातें भी जो होती है ना बड़ा दिल से हैं तो बड़ी जोर से लगती हैं। बस तो है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, हमारे साथ मौजूद है हसन न्याजी, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। एक सवाल होगा उसके दो ऑप्शन होंगे, आपने उसमें से एक ऑप्शन देना, तीसरा ऑप्शन आप नहीं ले सकते। ओके okay. और जब हम आपसे कहेंगे तो आप हमें जस्टिफाई करेंगे कि आपने ऑप्शन क्यों चुना। ओके okay. हाँ ठीक है, फुल अच्छा। फंसाने वाले मूड में हम आपके साथ। अच्छा, पहला सवाल पॉजिटिव कैरेक्टर्स या नेगेटिव कैरेक्टर्स? पॉजिटिव। ठीक है, कॉमिक कैरेक्टर्स या सीरियस कैरेक्टर्स? सीरियस। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद ये बात नहीं पता या पता भी होगी कि आपने स्टार्ट एक कॉमिक कैरेक्टर से किया था। यस। आजिर की आएगी बारात मुझे याद है, तो उसके बाद ये जो ट्रांजिशन आपने की इसमें किसी ने कुछ कहा कि यार ये कॉमेडी कम करो सीरियस ज्यादा करो, सीरियस कम करो कॉमेडी ज्यादा? नहीं, ये कुदरती तौर पे होता गया और जब लोग वापस से मिले उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, मैं कहा जी मेरे साथ हुआ। तो आपने कहा जाने दो जैसा चल, जाने दो। वेरी गुड। ठीक है जी, कैश या चेक? कैश। वेरी गुड। yes. माशाल्लाह किसी एक ने आके चेक नहीं बोला इधर, क्या एक ने तकरीबन 100 शो हो गए। मसला ये है चेक के साथ अक्सर बाउंस हो जाते हैं ना। नहीं, साइन नहीं होता, तैयार है, साइन नहीं हुआ, साइन नहीं होता। हां, जिन्होंने करना है वो गए हुए। अच्छा जी, फिल्म या टीवी? फिल्म। ओके, फोटोशूट या फिर रैंप वॉक? फोटोशूट। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? बोथ। नहीं, बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं है। देन वेस्टर्न। वेस्टर्न कपड़े। अगर मौका मिले तो हॉलीवुड जाएंगे या बॉलीवुड जाएंगे? बॉलीवुड। बॉलीवुड जाएंगे। और किसी ने तो बॉलीवुड बोला, क्यों बॉलीवुड क्यों जा रहे? बॉलीवुड क्यों और हॉलीवुड क्यों नहीं? मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, देखा? और नहीं, इंडियन हीरोइंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अरे वाह, बताएं तीन नाम बताएं फेवरेट हीरोइंस। कोई तीन ऐसी हीरोइन बताएं जिसको देख के आप कैसे खड़े हो जाते होंगे यार, वाह। अच्छा, व्हाट? मैं तीनों के नाम लूंगा, आपने भाभी बोलना है। नहीं 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 बॉस, यार मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं भाभी टेंशन नहीं है, मैं भाभी बोलूंगा। करीना भाभी कपूर, वो तो वैसी भाभी हैं। दीपिका भाभी, दीपिका दोनों भाभी हैं। और तीसरी जो है वो छोड़ दें, वो बहुत ही अच्छी लगती है। बता दे, बताए ना तीसरी। तीसरी जो है वो एक्चुअली, कम ऑन यू कैन डू इट, बता दें हसन भाई। अभी उसका नाम मुझे भी नहीं आता लेकिन मुझे अच्छी बड़ी लगती है, उसके हुस्न पागल है। मुझे नाम भी याद नहीं लेकिन मुझे अच्छी बहुत। कहाँ देखा है आप, हम बताते हैं। मैंने वो शाहिद कपूर की फिल्म में देखा था। शाहिद कपूर की फिल्म बताओ कौन आया है यार, वो जो कबीर में उसकी हीरोइन थी यार, कबीर सिंह की जो हीरोइन थी, बहुत 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 पसंद है, बहुत पसंद है। अगर फर्ज करें कि कल आप निकले और वो शहबाज कमर्शियल पे खड़ी हो, मैं रुक जाऊंगा अगर वो खड़ी होगी तो। शहबाज कमर्शियल पे क्यों खड़ी होगी? खड़ी भी है, मतलब काम से आई हुई है तो कहीं, मतलब तूने शहबाज का मशहूर भी खड़ा करना मुझे दिमाग में हुआ है। कल सारे शहबाज में पहुंचे होंगे। नहीं तो आप उसको रोक के बता देंगे मैं बहुत पसंद करता हूँ, या वो हीरो वाली एक्टिंग करेंगे क्या? हाँ, नहीं, नहीं नहीं, मैं जाके बता दूंगा। बता देंगे आप? बता देंगे। मुझे वो टिपिकल बीमारी नहीं है, मैं इस चीज को जानता हूँ कि अगर आप किसी को अप्रिशिएट करें तो वो कितना खुश होता है, कितना खून बढ़ता है उसका। हमारी आवाम में एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, लेकिन दे वोंट अप्रिशिएट योर वर्क। हाँ, ये मेरा अपने प्रोफेशन या इस फील्ड से एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर कि बाकी फील्ड्स में भी लोगों को कुछ फील वो हुआ है कभी, तस्वीर लेने का पूछेंगे वो आप नाम क्या था आपका। हाँ, है ना। हाँ, और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरा नाम जो है वो अबू जहल है, लोग प्यार से अबू बोलते हैं। मेरे साथ तो ये हुआ है, वो असल में मैंने तो बेटा आपको नहीं देखा, टाइम तो नहीं होता हमारे पास, वो मेरी 2 साल की बेटी है, वो बड़े शौक से आपको देखती है। वो मैंने कहा कि वो 2 साल में मुझे देख रही है, तो जब वो 16 की होगी तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। शर्म में 2 बोल देते हैं, होती वो 20 साल की बेटी। ऐसी है, सही कह रहे हैं आप। बिरयानी या पाए? पाए। पतंग उड़ाना या पतंग लूटना? पतंग उड़ाना। उड़ाना, याद रखिए कैरेक्टर आपने जो किए वो लूटने वाले किए सारे। ठीक है, औलाद या फिर मेरे खुदाया? औलाद। औलाद। काशिफ निसार या इकबाल हुसैन? यार देखें आपको पता है 2 लेग ब्रेक के बाद एक गुगली बनती है। ठीक है, अपने 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 उनके है। नहीं नहीं, मैनेज नहीं कर रहा सबके अपने अपने यार, मैनेज नहीं कर रहा, मैनेज नहीं कर रहा, दोनों के अपने स्किल्स हैं। हाँ मैं पता है, मैंने दोनों के साथ, दोनों के घर भी अपने अपने, गाड़ियां भी हैं। अच्छा, इकबाल हुसैन सबके अपने, इकबाल हुसैन, इकबाल हुसैन। ठीक है, ये मुझे बताइए कि गुब्बारा आपको नॉर्मल वाला अच्छा लगता है गैस वाला? गैस वाला। ठीक है, शान शाहिद या फिर हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। ठीक है, यमुना जैदी या सबूर अली? यमुना जैदी। यार अच्छा हुआ आपने सबूर का नाम नहीं लिया, वरना लड़ाई हो जाती। क्यों, भाभी बोलना था? नहीं नहीं, इनकी आपस में लड़ाई। अच्छा, फिर ठीक है। जावेद शेख साहब या नदीम साहब?
जावेद शेख साहब। सीता बागड़ी या फिर सुनियारा? सीता बागड़ी। सीता बागड़ी ओके। आशिर अजीम या फिर असफर जाफरी? असफर जाफरी। ऑल राइट जी आदि भाई ये बताइए मोजे जो होते हैं मोजे सॉक्स सॉक्स मोजे मोजे जब पहनते हैं तो पूरा ऊपर तक खींचते हैं या जहाँ तक जूता होता है वहां से घुमा लेते हैं? नहीं मैं पूरा ऊपर खींचता हूं। पूरा ऊपर तक खींचते हैं फुटबॉल वाले? वैसा होता है ऊपर तक चप्पल सर्दियों में चप्पल खाली पहनते या हाँ। जूता पहनते या फिर चप्पल के अंदर सॉक्स पहनते? नहीं मैं जूता पहनता हूँ। जूते पहनते? अच्छा बताइए लड़कियां आपको कैसी पसंद है? आपकी जितनी आपसे लंबी तो मैं यहाँ से होती भी नहीं है आपकी जितनी या आपसे छोटी लड़की मेरे साथ हो यही बहुत बड़ा मोजा होगा मुझे पसंद ठीक है फिट है। आप मुझे ऐड करो इंस्टाग्राम पे। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम बात है ये वाली। हम साथ घूमेंगे इनका भी यही सीन है क्योंकि इनके रिश्ते के लिए हमने बात की है तो हमने कहा भाई कुछ क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो कहना है कि बस जिंदा हो या फिर कोई बता दे कि जिंदा है दोनों पे एग्री कर लेगा ये लड़का। नहीं करने वाला वैसे क्या वजह क्यों आपने अभी तक शादी नहीं की क्या वजह इस कंजूसी और सुस्ती की? डोंट फील जेलस इफ आई एम ब्लेस्ड। नहीं नहीं बिल्कुल भी जेलस नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम ब्लेस्ड। आप कर नहीं रहे या हो नहीं रहे? एक सेकंड क्या मतलब आई एम ब्लेस्ड भाई हम शादी करके बहुत खुश हैं नहीं माशाल्लाह आप तो कह रहे हैं दिलों के हाल अल्लाह नहीं बट बात ये है कि आई एम श्योर अल्लाह हैज बेटर प्लान्स फॉर मी मतलब ये सेटल ये डिसाइडेड है अपनी प्लान बात है या नहीं आई वांटेड टू सेटल डाउन बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट तो क्या कह सकते हैं। ओके तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप अभी करना नहीं चाह रहे? मैं आप कह रहा हूँ रह कितनी गई है जिंदगी ये तो पता नहीं जितने आप लंबे हैं आपकी लंबी होगी फिर सोच लेंगे फर्ज करें कि मैं आ गई मैं आई हूँ आपके घर मैं जा रहा हूँ जी अगर आप आई हैं तो वो जा रहे हैं मैं आई हूँ अभी ना बहुत सीन हूँ मैं ठीक है टाइट मैं आ गई यार माहौल बनाओ इनके घर आई हैं मैं टाइट हो के आई हूँ चले माहौल बनाओ मैं आई हूँ सुनो हसन बहुत पसंद हो मुझे अच्छा देखे मैं तुमसे शादी करूंगी तो तुमसे मिलूंगी वरना नहीं फिर ना मिले ना मिले आपका कोई चांस नहीं है नहीं मतलब आप मुझे इमेजिन ना करें ना ये सेलिब्रिटी या स्टार का वो करिश्मा है वो क्रेज है तो फिर आई एम सॉरी इफ यू रियली वांट टू बी अ कंपेनियन देन इट कैन बी अ थिंग कि जिस पे आप सोच तो पहले थोड़े दिन घूमते फिरते हैं खाते पीते हैं वो कॉन्वर्सेशन से ही पता लग जाता है एनर्जी से ही पता लग जाता है तो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर शादी है कहीं ना कहीं है और ये बताइए लव मैरिज करेंगे अरेंज लव मैरिज लव करेंगे और लव के बाद बच्चे कैसे होंगे हमने प्लान किए थे या ये तो आ ही आ रहे हैं बस नहीं आजमाइश ना हो जैसे भी हो चलेंगे ठीक है ठीक है जी ननिहाल या फिर ददियाल? ननिहाल क्यों ददियाल क्यों नहीं चाचू की वजह से दादी ने क्या प्लान कम किया था नॉट रियली उसकी वजह ये है कि बचपन सारा ददियाल के साथ गुजरा बहुत इंटरेक्शंस होते थे आने जाना होता था ननिहाल वाली साइड से बड़ी दूरी है सो आई जस्ट वांट टू फील द रिलेशन के ननिहाल वाली साइड होती कैसी है क्या रिश्ते होते हैं दैट इज मिसिंग ठीक है सांप सीढ़ी खेलेंगे या लूडो खेलेंगे लूडो खेलेंगे घर में कुत्ता रखना पसंद मुझे क्यों देख रहे हैं नहीं नहीं मैं इस पे किस्सा सुना देता हूँ बचपन में मैंने माँ जी को कहा मैं फादर की डेथ के बाद मैं कि जी कुत्ता रखना मैंने मैंने बड़े प्यार से हाथ फेरा सर पे कहती हूँ तुम्हारे बाप के जाने के बाद मेरे रिसोर्सेज इतने हैं कि बेटा या तो मैं तुम्हें पाल सकती हूँ उनकी निशानी या फिर तुम्हारी निशानी कुत्ता चॉइस इज योर्स मैंने देखा मैं बाहर जा रहा हूँ कुत्ता अंदर आ रहा है उसी के साथ मैं कहा मम्मी आप अब्बा की निशानी को पाल बेहतर है मैंने अपनी मम्मी को बोला था जब मैं छोटा था मैंने कहा मामा हम कुत्ता पाल सकते हैं तुम छोटे कब थे सॉरी सॉरी व्हेन आई वाज अ बॉय कभी खान साहब या फिर तलत हुसैन साहब कभी खान साहब अच्छा कौन कौन खाई आपने कभी आइसक्रीम वाली उसको ऊपर से चबा चबा के खाते हैं या चाट चाट के गोला बनाते हैं साइड से पहले चाट के खाता हूँ फिर बाद चबा के खाता हूँ ए वेरी नाइस जंगली आदमी जंगली क्या हो गया भाई क्या हो गया भाई क्या हो गया मुझे ना दिल चाह रहा था मैं आइसक्रीम खाने का तो मैंने इमेजिन किया अंजुम जी समझ गई ना इनका दिल चाह रहा है खाने का अच्छा जी सिंगिंग या फिर डांसिंग डांसिंग शेव कराते वक्त फोम लगवाते हैं या जेल अब ये कौन से सवाल आते हैं साजिद के पास ना फोम होता ना जेल होती है नई चीज कुछ भी नहीं होता है नई कोई चीज आई हुई है जो बस यूं करीब लगाते हैं उसको लड़की कहते हैं जो यूं करके नहीं कुछ लगाते हैं मुंह पे लगा रहे हैं हां भाई क्या लगा रहे हैं मोस्टली मैं शेव खुद करता हूं वेरी गुड आप साजिद से शेव कराते हैं अरे भाई मर्जी उनकी यार और साजिद देगी थोड़ी बहुत सारे हो सकते हैं आपका कौन सा वाला साजिद है
जो करता है। अच्छा जी, अरुण वीरानी या फिर आकाश चोपड़ा? आकाश चोपड़ा। और अरुण वीरानी क्यों नहीं? जितने सीन्स थे उसमें मैं खुद भी अरुण वीरानी को एंजॉय नहीं कर सका। ओके ठीक है, ये बताएं नाक के बाल कटवाते हैं या वो डंडी डाल के वैक्स से निकलवाते हैं? नहीं, मैं सीजर यूज कर लेता हूं। सीजर यूज कर लेते हैं भाई। किया वैक्स वाला काम? अरे मैंने एक बार किया था। अच्छा, मेरा खोपड़ा मारा बहुत दर्द होता ना कराएगा। ऐसी ऐसी चीज की खुशबू आ रही थी जो मैं दी नहीं ज्यादा ही सफाई हो गई। अच्छा जी, फेम या फिर मनी? रिकग्निशन है, फेम हो गया ना? फर्क है। अच्छा, फेम और रिकग्निशन में फर्क है। जब आपको आज 2021 में कैरेक्टर नेम या परफॉर्मेंस से लोग जाने तो ये रिकग्निशन होती है। आपका जवाब बहुत अच्छा है लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है। और हमें समझ भी नहीं आया। फेम या मनी? देन मनी। मनी। ये बताइए, शोरबे वाला सालन जब खाते हैं तो बोटी ढूंढ के निकालते हैं, जो चम्मच में आ जाए वो खाते हैं? नहीं, जो आ जाए। ये अच्छे इंसान है आप। मुझे बुरे लगते हैं वो लोग जो शोरबे वाले सालन में यूं कर रहे थे। भाई बड़े मसाइल है तुम्हारे, बड़े मसाइल है। अच्छा, शेर दिल या मालिक? मालिक। मालिक ठीक है। बर्फबारी में चड्डा पहन के होशियार बनना क्या हो गया? मेरे सवाल तो खत्म होते। शेरदिल मालिक पे मेरा एक सवाल था, मैंने कहा मालिक, आप पीछे रह गए। आपने कहा असफर जाफरी और फिर आपने कहा मालिक, तो ये आपने तजाद क्यों है इस बात पे? मालिक में आई हैड वर्क टू डू एंड शेरदिल में डायरेक्टर जो थे वो ही वाज फार एक्सपीरियंस देन आशा ठीक है। ये बताइए, बारिश में गीला होना पसंद है या सूखना? था गीला होना पसंद था, अब नहीं। क्यों, अब क्या हो गया ऐसा हादसा? अब यार वो हादसा क्या है, 7th फ्लोर पे रहता हूँ, ऊपर छत पे जाना मसला, दरवाजे खुलवाओ, नीचे 7th से वापस आना बड़ा अजाब, लिफ्ट बंद हो जाती है। मैं कह रहा हूँ असल में ये शायर ने इस शेर में इनको सुस बताया है, ये सुस्ती की वजह है ना। इससे बारिश का ताल्लुक नहीं, इससे आपके हालात का ताल्लुक है। अच्छा जी, अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? अवार्ड्स अगर जस्टिफाइड हैं, सही हैं तो होने चाहिए, वरना इट्स गुड इवेंट, सब मिलते हैं, अच्छा है। ठीक है, ये बताइए काम ऊपर वाला देता है या काम के लिए यार लोगों को मुझे फोन करने पड़ता? मुझे तो ऊपर वाला देता भाई। आप ऊपर वाला दे रहा है? वेरी गुड। तो 8th फ्लोर पे कौन है? नहीं ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला, बिल्कुल ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे सवाल खत्म हो गए। क्यों सवाल खत्म? आप लिख के नहीं लाते हो यार घर से सवाल? नहीं बॉस, अच्छा जहां तक दिमाग चलता है वहां तक ठीक है। नली चूस के निकालते हैं हाथ से? हाथ से निकला है तो ठीक है, नहीं तो नली की ऐसी की तैसी चूस लेंगे। जंगली। अब मुझे बताएं, हम आपके साथ एक फिल्म बनाने लगे, ठीक है ना? अच्छा, आप उसके प्रोड्यूसर हैं, आपने कास्टिंग करनी है और इसमें इजाजत है, आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर आप जो करना चाहें कर सकते हैं, तो मुझे बताएं कि हीरो कौन होगा? इट डिपेंड्स के सब्जेक्ट क्या है, मुझे आपके हाथ में ना भाई, आपका पैसा है बॉस, जो दिल चाहे बनाओ। अच्छा, जो दिल चाहे हीरो वो वाली फिल्म बना लो। फिर मेरा पैसे तो पहले तो मैं अपनी चस्प पूरी करूंगा, हीरो तो मैं ही हूं। ठीक है, हीरो आप आ गए। ओके, आपके साथ हीरोइन कौन है? हीरोइन मेरे साथ होंगी, रेवेन्यू रिकवर करना है तो डेफिनेटली सम बिग नेम, मैविस हयात या माहिरा खान। आप दोनों रख लें? दोनों नहीं रख सकते, रिस्ट्रिक्शन थोड़ी बॉस। अच्छा मैं क्या, वो दो में से? नहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ठीक है, माहिरा खान, माहिरा खान, मैविस हयात हो गई जी हीरोइन, और हीरो मैं हो गया, हीरो आप हो गए, हीरो मैं हो गया। अच्छा अब आप बताएं कि हीरो के वालिद साहब? हीरो के वालिद साहब जो हैं वो सोहेल अहमद साहब। सोहेल अहमद साहब। और हीरोइन की सौतेली माँ? हीरोइन की सौतेली, वाह, हीरोइन की सौतेली माँ जो भी हैं वो खूबसूरत हो, टैलेंटेड। नहीं नाम चाहिए सर, नाम चाहिए, कास्टिंग हो रही है। अतीका ओडो? अतीका ओडो, या बुशराफा, बुशान सारी। एक पागल बच्चा भी है उसमें, ऐसी ऐसी कोई ऐसी स्टोरी नहीं चाहिए। आई वांट वर्क, ऐसी कोई मेरा पैसा है ना, नहीं मेरा पैसा, मैं इस कैरेक्टर के खिलाफ हूं पागल भाई। मैंने एक कमर्शियल किया था, उसमें बच्चे के साथ मेरा फोटोशूट था, नए नए में मॉडल बनने आया था, कंधे पे बच्चा बिठाया, दूर उसको सीवी पे ऊंट नजर आ गया, उसने कहा ऊंट पे बैठना है, साइड पे हो गया फोटोशूट, ऊंट पे बिठाया, फिर कहीं से उसको घोड़ा नजर आ गया, मेरी होल्डिंग उतर गई यार। मुझे शूट में कहता हूँ ये इस टैलेंट के, इस कैलिबर टैलेंट के बच्चे से बेहतर है सानू पैसे जल्दी दे दो, बे औलादा दिखा दो मुझे यार। मतलब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा, बच्चे कास्ट नहीं। ठीक है, महविश हयात होगी, मायरा खान होगी, आप हो गए, दिखाउट होगा, और विलन बताएं। विलन, विलन जो है वो अदनान सिद्दीकी। हीरो का दोस्त कौन होगा? अरे वाह, हुमायूं भाई।
माई भाई आपके दोस्त हो गए इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं हीरो आ रहा हूँ तो मुझे पैसा रिकवर करने के लिए सारे बड़े नाम चाहिए दोस्त। ऐसा ना हो कि इनको बुलाने का पैसा बचे ना तो रिकवर कहाँ से होगा। चलिए जी ये बताएं डायरेक्टर कौन है? नदीम बेग साहब। नदीम बेग साहब, और ये बताएं शूट कहाँ होगी ये? ओ मेरे ख्याल में तो हर हसीन जगह पे जो अल्लाह की बताए, फिर भी सम ऑफ द एरियाज प्लीज मेंशन काइंडली बिलो, कहीं भी कर लें जहां कहीं पे आपका पैसा है। आपका माल तोड़िए यार, आपका एक जगह डिसाइड करें, आपका अपना है, बोलें कहां जाना चाहेंगे आप, किधर जा रहे हैं, कहां कितना पैसा बचा है आपके पास? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं भाई, चले कराची में कर लेते हैं। कराची में अरे बोरिंग नहीं। अच्छा जी आप देखें जी फिल्म डायरेक्टर हैं जी नदीम बेग साहब, हीरो है हमारे हसन नियाज जी, उनके साथ मौजूद है माहिरा खान और महवेश हयात, सोहेल अहमद साहब और अतीका ओटू साहिबा और हुमायूं सईद साहब। अब रह गए एक विलन, आपको पैसा भी दिया तो डुबा ही रहे। जब मैं पॉजिटिव रोल करते हुए हीरो का रोल कर रहा हूँ ट्राई मार रहा हूँ तो मैं वहां से मेरे ख्याल से आपका पैसा डुबा आप नाम पे आप लोगों को बोल रहे गिव इट अ ट्राई, पक्का काम दे आप उर्दू में एक नाम बताओ। चलो आप देखें लोग जब आगे बॉक्स ऑफिस पे पैसा खर्च करते हैं हाँ जी, तो मैं उस हवाले से भी इस टाइटल को रिलेट कर रहा हूं, लोगों को बोलेंगे प्रमोशन में प्लीज गिव इट अ ट्राई, जैसे हमने नाम जानबूझ के मजेदार शो रखा है ठीक है। अब वो मैं जब शेर दिल की तो उससे पहले एक हादसा हुआ, उसका एक बड़ा जर्मन सा लाइन थी कि टीबल फैंटास्टिक, मैं जहाँ कहीं भी प्रमोशन के लिए जाता था लोग चाय पिलाते थे, मैं ऑडियंस के सामने जाके टीम इज फैंटास्टिक, तो वाह वाह क्राउड थोड़ा रिलेट कर जाता यार। ये इंटरेस्टिंग बात थी कि गिव इट अ ट्राई, आप फिल्म का नाम रख लो ट्राई। कहते हैं जिसके पास पैसा हो ना उनके घर में बेवकूफ भी सियाने होते हैं, पैसा मेरे पास है ना, मैंने किसी वजह से बात की। सच अ नाइस पर्सनालिटी। आप जो कह रहे हैं ना ट्राई अगेन, वो पार्ट टू है, ट्राई अगेन रखी गई फिल्म का, गिव इट अ ट्राई और ट्राई अगेन, वाइज बोला था ट्राई अगेन। अच्छा दो इम्पोर्टेंट सवालों का, दो इम्पोर्टेंट सवाल, बहुत मस्ती मजाक हो गया। मैंने आज मैंने फिजान जो सवाल बनाया है हाँ, वो मैंने इस तरह बनाया है कि वो पहले बाहर के मुल्क में होता था हाँ, लेकिन अब वो पाकिस्तान की तरफ भी आया या अल्लाह है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो सिर्फ मैं इसलिए पूछूंगा कि जितने भी यंगस्टर्स देखने वाले हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यंग लोग ही होते हैं ज्यादातर, तो वो आपको आपकी राय जानना चाहेंगे, नॉट एज एन एक्टर नॉट एज एन आर्टिस्ट एज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप ये बताइए कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से इन दोनों में से कौन सी चीज सही है या बेहतर है? आपको क्या लगता है कि नाड़े वाली शलवार सही है या लास्टिक वाली? नाड़े वाली या तक कि तुम्हें चार दफा बता चुका हूं मैं और सलीम भाई बोल के गए थे नाड़ा कुछ नहीं होता, आप बताए नाड़ा होता है कि नहीं होता है? हजार बंद होता है। एक मिनट आप बताए। देखें शलवार आपकी है तो जो मर्जी कह लें आप। यार वेरी नाइस। वैसे आप बताएं नाड़ा होता है या हजारबंद? हजारबंद होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शहरों का फर्क है ये। यस दोनों चीजें। अच्छा आप कहते हैं नाड़ा जो है वो पंजाब में होता है पंजाब और यहाँ जो हजारबंद होता है पंजाबी में कहते हैं ओ नाड़े पानी ले के आ। नाड़े पानी क्या होती है? क्या होती है वो जो हजारबंद की वो डंडी नहीं होती जिसमें डाल के अंदर डालते हैं? अच्छा उसको नाड़े पानी कहते हैं ना। वेरी गुड यार। ठीक है ना। असल में बैक टू द फ्यूचर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये सीरियस क्वेश्चन यूथ के लिए। अच्छा उन्होंने रियलाइज किया कि अच्छा ये सीरियस। वैसे अच्छा आपको क्यों लगता है कि नाड़े वाली क्यों सही होती है? मुझे भी यही लगता है। इन लोगों को लगता है लास्टिक थोड़ा सा आप कंट्रोल डाल दी तुमने लास्टिक में। आपको बिना वजह बिना वजह आपको क्या लगता है? नहीं भाई नहीं हजार बार ठीक है। काशी भाई आपको क्या लगता है? देखिए लास्टिक वाली सलवार बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों के हाथों में आपकी जिंदगी। वाह 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 ये मसला सिर्फ इस मुल्क में बात है। सब परेशान घूम रहे होते हैं लास्टिक में इनके बिना वजह ना। अच्छा याद कि सामने वाले को पता नहीं चलता लेकिन फिर भी लोग जरा घबराए घूम रहे होते ना कि कोई है तो नहीं। हमारे यहाँ एक है लोगों को छोटा सा नाखून है। जी जी काफी मसला है। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, आपने सोच समझ के जवाब देना है। जस्टिफिकेशन नहीं देनी। देंगे तो मसला नहीं है। जस्टिफिकेशन अलाउ ही नहीं है। अच्छा जी आदि या फैजान? ये अच्छा मैं आपको एक बात बताता चलूं। दोनों सुन तो ले एक बात बताता चलूं। ये वाला जो सेगमेंट है इसमें अक्सर ऐसा होता है कि सब बड़ा तेजी से जा रहा होता है। इस सवाल पे हमने मैक्सिमम जो है ना अभी तक 25 मिनट लगाए। अल्लाह क्योंकि मोहित भाई अड़ गए थे कि मैं जवाब नहीं दूंगा। हमने सुने तो हमने कहा फिर सेगमेंट खत्म नहीं होगा और ब्रेक नहीं होगा और ये एडिट भी नहीं होगा। अच्छा तो वो
बात आगे निकल गई है। जो अच्छा मजाक करेगा उस वक्त आप आदि, जो अच्छा मजाक करेगा उस वक्त आप फैजान। नहीं नहीं भाई, आपने सिर्फ एक जवाब। मैं एक्चुअली आप दोनों को अलग कर नहीं सकता हूँ। नहीं नहीं, ये बात हमने नहीं, अलग होंगे भी नहीं हम। ऐसी अभी ऑप्शन हमने सुनी है बात, और हम नहीं हो रहे अलग। नहीं नहीं, लेकिन ये एक चल रहा है स्कोर कार्ड। अच्छा स्कोर कार्ड चल रहा है। स्कोर कार्ड चल रहा है। हाँ, तो जवाब देना जरूरी है। कोई रीजन नहीं देना आप। हाँ, इसकी कोई रीजन। पर नाम ले लें। फैजान। फैजान। मैं ज़्यादा नाच नहीं सकता, वीकनेस हो जाती। तुम क्यों परेशान हो जाते हो? कोई बात नहीं है, ओके। उड़ो जितना उड़ना है। अच्छा, हर अवाल का जवाल होता है। अवाल का क्या नाम? उरूज का जवाल होता है। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही कहा आदि भाई ने। हमारे पास काशिफ भाई मौजूद है। देखा, अगर आप कोई गाना सुनना चाहें तो आप इनसे बाद में सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी तो ये नहीं गा सकते। नहीं नहीं, काशी भाई प्लीज, क्या सुनेंगे? आइए इधर आ। काशी भाई कौन सा गाना सुना रहे हैं आप हमें? जी जी, खालिद अनम साहब का पीरा हो। क्या पीरा हुआ? हो उनको बताइए ये बात। जी जी, पता है उनको। अल्लाह खैर करे आप। टलिया मेरी डाची ते गल बिच, टलिया वे मैं पीर मनावण, चलिया वे मैं पीर मनावण, चलिया शाला वाले या पीरा जवाब देना और फिर बजर दबाना है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तीन हरी सब्जियों के नाम बताइए। हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा लहसुन। हरा लहसुन क्या होता है? मुझे कलर नहीं आते, जैसे मुझे हरी सब्जियों के नाम नहीं बता सकता। नहीं नहीं, हरा लहसुन होता है, जैसे हरी प्याज होती है ना। हाँ, ऐसे हरा लहसुन। बस खत्म होगी बात। ठीक है, ऐसे गेम खेलना है। ओके जी, 5 सेकंड सुनाएं। अक्सर हमारे 5 सेकंड 3 में खत्म हो जाते हैं। 2 माँ सदगे। बिल्कुल, पहली दफा मैं सही कर लिया। वेरी गुड। मैं तो अगली दफा ये 5 ही गिनता रहूंगा। नहीं नहीं, आपने फटाफट जवाब देने। चलो जी, नेम 3 फेवरेट पॉलिटिशियंस। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। हाँ जी, फादर सरकारी भुट्टो। 2 जवाब दिया आपने, कोई बात नहीं। 3 पसंदीदा खाने। भुना हुआ गोश्त, बीफ में भुनी भिंडी और कीमा।
यार छह बजा दे यार। हो गया मैनेज हो गया। नेम थ्री सिटीज विद एस। एस साहिवाल, सरगोधा एंड सियालकोट। वेरी नाइस। तीन ऐसी चीजें बताएं जो लंबी होती हैं। हसन नियाजी, मोहित मिर्जा और इजाज असलम। खत्म हो गया। और आप जो चीजें हाँ अच्छा, तीन पसंदीदा डायरेक्टर्स। नदीम बेग, मरीना खान एंड इकबाल हुसैन। तीन ऐसी चीजें बताएं जिनको दबाओ तो नरम हो जाती हैं। रसगुल्ला, बर्फी। रसगुल्ला, रसगुल्ले को दबाओ तो नरम हो जाता है। सवाल ये, रसगुल्ला दबा क्यों रहे हैं आप भाई? अच्छा, आप जवाब देने के बाद आपने बजाना है। अब आप बजा नहीं ज्यादा, क्या आपने जवाब दिए अच्छे खासे? सारे सवाल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। पहली ऐसी चीज जो आप करते हैं उठते ही नींद से? आई स्मोक। तीन, उसके बाद चाय बनाता हूँ, फिर फ्रेश होता हूँ। ओके, बजाना है इस पे। तीन ऐसी चीजें बताएं जो गर्म अच्छी लगती हैं। चाय एंड कॉफी एंड सूप। ओह नाइस। तीन कलर्स बी से? ब्लैक, ब्राउन एंड दो आते हैं बस, ब्लू। तीन ऐसी चीजें बताएं जिसमें उंगली डाल सकते हैं। सिगरेट का पैकेट और चाय का कप और पकौड़ों का लिफाफा। पकौड़ों का लिफाफा? आप सिगरेट के पैकेट में उंगली क्यों डाल रहे हैं? आप निकालने के लिए यार? नहीं, यहाँ डालते हैं ना। नहीं, आप एक उंगली से कैसे एक से कर लेते हैं? शुक्र के। अच्छा, ऐसे पकड़ ले भाई। ठीक है यार, लेट्स ओके। तीन एनिमल साउंड्स निकालिए। वेट, तीन एनिमल साउंड्स निकालिए। म्याऊ, वाऊ एंड बकरी बकरे में फर्क दे सकूं 5 सेकंड में, मैं जानते हो। ठीक है, तीन ऐसी चीजें बताएं जो नाक से निकलती हैं। धुआं एंड सांस। कोई बात नहीं। तीन एक्टर्स एम से? एम से मोहम्मद शफी साहब, मोहम्मद कवी खान साहब, मरीना खान। ओह नाइस यार, ये अच्छा था। तीन मिठाइयों के नाम बताइए। बर्फी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला। वेरी गुड, ये वही है जो दवाया साहब ने पहले। ओके, वो दोनों को मिलाने में टाइम था। तीन ऐसी चीजें बताएं जो अंधेरे में नजर नहीं आती। अंधेरे में ब्लैक कलर। तीन इफ्तार के आइटम बताइए। पकौड़े, चना चाट और वो क्या होता है, भले। ठीक है, तीन ऐसी चीजें बताएं जो दूसरों की अच्छी लगती है। ना पूछें, ये सवाल बदल दें, मैं बड़ा बलकर जवाब देने लगा था। अच्छा किया आपने, नहीं अच्छा किया, अच्छा मैनेज किया, कोई बात नहीं। तीन ऐसे एक्टर्स जिनको पॉलिटिशियन होना चाहिए। अब वो हैं ऑलरेडी, एक्टर्स तो सारे पॉलिटिशियंस हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जवाब। तीन फेवरेट क्रिकेटर्स। वसीम अकरम, इमरान खान एंड सईद अनवर। सईद अनवर, ठीक है जी। तीन ऐसी चीजें बताएं जो वक्त के साथ साथ उन्होंने दिमाग चलाना शुरू कर दिया। तीन ऐसी चीजें बताएं जो वक्त के साथ साथ कमजोर होती जाती हैं। जवानी और गाड़ी और आंखें, बाल, स्किन, गाड़ी, दांत। यार मैं इतना आप लोगों को देख के ना कैजुअल, मुझे ऐसा लग रहा है नियत का मसला हो रहा है। क्योंकि इस तरह की बातों में मैं बड़ा वो ओपन जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं उसको कट कर रहा हूँ तो 4 सेकंड निकल जाते हैं। खैर हो गई, खैर हो गई। अच्छा जी, तीन ऐसी चीजें जो आप टांग सकते हैं। टांग सकते हैं कोट एंड मफलर एंड टाई। वेरी गुड। तीन ऐसी चीजें बताएं जो फंसती हैं। छोटी पैंट, छोटी पैंट, जूता, छोटी पैंट, छोटा जूता और छोटी कोई भी चीज, छोटी जो भी फंस जाएगी, जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, तीन ऐसी चीजें जो आप खड़ी कर सकते हैं। खड़ी कर सकते हैं बैट, टेबल एंड कोर्ट। ओके, तीन ऐसी चीजें जो फंसाई जाती हैं। वाह, गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड की दो सहेलियां। वाह वाह, ये वजह है खवातीन आजाद, मुझे जवाब मिल गया, ये वजह जो शादी नहीं हो पा रही। वेरी गुड। तीन राइमिंग नेम्स में आ रहे हैं, तीन राइमिंग नेम्स बताइए, एक जैसे नाम। तीन, हसन, मोहसिन, हुसैन। हसन, मोहसिन, हुसैन। वेरी नाइस, वेल मैनेज्ड। मैं बताऊं? हां, अयान, रेहान, ज़ियान। अयान, रेहान, ज़ियान, ठीक है। या तक तुमसे पूछा नहीं था, पता नहीं क्यों मैंने बोला। तीन ऐसी चीजें जो आप सर्दी में पहनते हैं। स्कार्फ, जैकेट एंड जीन्स। तीन ऐसी चीजें बताएं जिनको मारो तो लाल हो जाती हैं। थप्पड़, मुंह पे मारे तो लाल हो जाता है। अब जिधर भी मारे अच्छा, लाल हो जाता है। देखे बात सारी है, जवाब देना, लेकिन इमेजिन नहीं करता। क्योंकि आप इमेजिन जो करो, मैं करूंगा तो फिल्टर होगा भाई, वो भी बैठी है, ओनर भी होगा। ठीक है, ठीक है। तीन पसंदीदा एक्ट्रेसेस के नाम। यमुना जैदी, किरण हक। इसमें 5 सेकंड नहीं है, बोले आप। यमुना जैदी, यमुना जैदी, किरण हक एंड सज्जल। ओके, तीन पसंदीदा एक्टर्स के नाम। फैसल रहमान, फैसल कुरैशी एंड कवी खान साहब। एक ऐसी चीज बताइए, एक सिर्फ
इट्स अ डिफिकल्ट एक ऐसी चीज बताएं जिसको खींचो तो वो छोटी हो जाती है. नहीं आइडिया. आज भी आप बताएं. सिगरेट. वो यार हमने कभी खींची नहीं, हमने पी. हाँ ये भी है. वेरी गुड. ये ज्यादा डिफिकल्ट है. ये बताइए तीन ऐसी चीजें बताएं. तीन ऐसी चीजें बताएं जिसमें मुंह डाल सकते हैं. मुंह डाल सकते हैं. ग्लास बोल एंड जैकेट शर्ट. वेरी नाइस शर्ट. जैकेट बहुत अच्छा था यार. क्या हो गया मसला है? अच्छा था ना. तीन ऐसी चीजें बताएं जो आपके बाथरूम में पाई जाती हैं. टूथपेस्ट, टूथब्रश एंड हैंड वॉश. तीन ऐसी चीजें जो आप सोने से पहले करते हैं. चाय पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ एंड यार ये तो आप उठते भी करते हैं. हाँ आपने कहा तो उठते भी यही करता हूँ. आप सोने से पहले चाय पीते हैं? Yes. How you are become sleep then? I can. अगर मैं चाय. उन्होंने जवाब अपना सही दिया. चाय पीने आ जाती है आपको? आ जाती है. आपको आती है? हाँ नींद. तीसरी बात, तीसरी बात तो वो मतलब अब नहीं बजाया. पांच सेकंड यार कितने जालिम हो तुम लोग. बजाया बजाया. चाय सिगरेट एंड पानी. चाय सिगरेट एंड पानी पीते हैं. वेरी गुड. बहुत अच्छे जवाब. सादा पानी. सादा पानी. तीन ऐसी चीजें बताएं जिसके बगैर आपका दिन पूरा नहीं होता. वाह. अगेन चाय पानी एंड सिगरेट. भाई ये क्या मसला है आपका? आपका मेन्यू छोटा है बहुत. मेन्यू बड़ा करें आप अपना. जी आज भी तीन ऐसी चीजें बताएं जो घर में अच्छी नहीं लगती. मी माई सेल्फ. अकेला रहता हूँ इस वजह से वो कभी कभी बोरियत होती है. ठीक है. एंड और ऐसे घर में कुछ है नहीं मेरे जिसको मैं डिसलाइक करूं. मैं ही काट दो मेनू बात. इसमें कोई मसला नहीं है. बस वही क्या हो गया. तीन ऐसी चीजें बताएं जो नाखून से निकलती हो. यार आज बैठते हैं. नहीं जी आपने बहुत अच्छे जवाब दिए. तुम बताओ तीन ऐसी चीजें जो नाखून से निकलती हो. मैल, खुश्की और मैल. दांत में फंसी बोटी. मेरे दांत में नहीं फंसती. तुम्हारे दांत में नहीं फंसती. दांत में नहीं फंसती. काशी भाई आप तीन ऐसी चीजें बताएं जो देख के डर लगता हो. हाँ शीशा. और शीशा देख के क्यों डर लगता है? एक मिनट. शीशा देख के क्यों डर लगता है? परछाई देख के डर लगता है. शीशा देख के क्यों डर लगता है? शीशा देख के क्यों डरे आप? बस डर जाता हूँ कभी एक बार. क्यों काशी भाई? बस अपनी शक्ल देख के भी डर जाता हूँ. ये अच्छा मजाक तो नहीं है यार. ओ यार नाइस आदि. वेल डन. वेरी प्राउड. अच्छा मजाक तो नहीं. अपने आप को देख के डर लगता है. और आदि भाई आपको देख के मैं डर जाता हूँ. ये भी कोई अच्छा मजाक नहीं काशी भाई. फिर कौन सा मजाक करूं यार. ये भी एक चीज से रोका है तो दूसरी चीज क्यों कर रहे हो भाई. नहीं ठीक है. इट्स ऑल राइट. हसन भाई वेल प्लेड. बहुत अच्छा खेला. एंड थैंक यू सो मच कि आप अपना टाइम निकाल के आए. आपने हमें ज्वाइन किया. बहुत मजा आया आपके साथ. बहुत मजा आया. आप जाने से पहले अगर आपके बहुत सारे चाहने वाले आपके शो देखेंगे, अगर कोई आपके पास मैसेज है तो आप दे सकते हैं अपने चाहने वालों को. कोविड की एसओपीज को फॉलो करें ताकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके. काइंडली 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 कोविड की एसओपीज को फॉलो करें ताकि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके. वेरी गुड. काशी भाई जाने से पहले क्या सुनाएंगे आप हमें? जी धमाल. आ जाए. आदि भाई आपके पास कोई है मैसेज? हाँ मत दे. यार रोको ना यार. अच्छा दे रहे हैं. बताइए. नहीं नहीं ये वाला मैसेज नहीं देना. काशी भाई आ जाए क्या सुनाएंगे? काशी भाई पहले बताए. रुक जाए. म्यूजिक आप तो है ना. जी आप बताए क्या सुनाएंगे आज? क्या सुनाएंगे? गड़ोली है घर में. नहीं नहीं गड़ोली. गड़ोली याद. गड़ोली इनको. गड़ोली हुई है इनको गैस जी. चलो कुछ नहीं. चले चले जी. इनको गड़ोली हुई है. अच्छा ना. दम दम अली दम 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 महियाज गड़ोली भर दी. दम दम अली दम 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 अली दम दम महियाज गड़ोली भर दी. सुने याद गड़ोली भर दी. एक एला तनू मैं दर्दी एक मोला तनू मैं दर्दी. हाय महियाज दी गड़ोली भर दी. सुने याद गड़ोली भर दी. महियाज दी गड़ोली भर दी. सुने याद गड़ोली भर दी. एक एला तनू मैं दर्दी एक मोला तनू मैं दर्दी. महियाज दी गड़ोली भर दी. सुने याद गड़ोली भर दी. हजरत मीरा ओ पीर पीरा ओ पीर पीरा हजरत मीरा ओ नाम कटे के टूटिया जंजीरा. मैं मुर्शिद का मिल कर दी ओ मैं मुर्शिद खाजी कर दी. भाई महियार दी गड़ोली भर दी. सुने यार दी गड़ोली भर दी. महियार दी गड़ोली भर दी. सुने यार दी गड़ोली भर दी. एक एला कनू मैं दर्दी एक मोला कनू मैं दर्दी. महियार
दी गढ़ोली भर दी सोने यार दी गढ़ोली भर दी दम दम अली दम 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 अली दम दम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अबुल हसन एंड दिस इज हिरा उमर और हम आ रहे हैं द मजेदार शो में आदि और फैजान के साथ ओनली ऑन टीवी वन। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।